आज हम एक नए डिजाइन का पायदान बनाना सीखेंगे जो कि पत्ती के डिजाइन का है। इसके लिए हमने ये देखिए 8 नंबर की हमने सिलाई ली हुई है। आप कपड़े की पट्टी मोटे पतले के हिसाब से सिलाई आप मोटी पतली ले सकते हो। ये देखिए हमने साड़ी से 1-1 इंच की कपड़े की पट्टी निकाली हुई है। तो देखिए इसको कैसे बनाना है, इसको हम बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए हमने एक नॉट लगा रखा है, तो एक फंदा इससे हो गया। अब इसके बाद हम इसमें 20 फंदे डालेंगे, तो एक फंदा हो गया, 19 और डालेंगे। तो ये देखिए इस तरह से क्रॉस कराते हुए फंदा डालेंगे। तो ये देखिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 फंदे। देखिए बहुत ज़्यादा लूज या बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होने चाहिए। ये देखिए 10 फंदे हमने डाल दिए। और इस तरह से फंदा डालना बहुत आसान है, जिसको फंदा डालना नहीं आता होगा वो भी ये फंदे डाल लेगा। देखिए 10 डाली हमने, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अब ये हमने 20 फंदे जो डाल लिए, ये जोड़े से फंदे हमने डाल लिए हैं। आप जितना भी बड़ा बनाना चाहो आप जोड़े से फंदे डाल लेना 2 के मल्टीपल से, फिर एक फंदा हमें एक्स्ट्रा डालना होगा। तो ये देखिए एक फंदा हमने एक्स्ट्रा और डाल लिया, तो ये 21 फंदे हो गए। तो आप इसी तरह से जितना भी फंदा डालना चाहो, जैसे 24, 26, 28, 30, 40 जितना भी फंदा डालना चाहो, आपको 2 के मल्टीपल से फंदे डालने हैं और उसमें एक फंदा एक्स्ट्रा डालना है, सिर्फ ये ध्यान रखना है। तो अब सबसे पहले हम दोनों सिलाई साइड से 1-1 सिलाई उल्टी उल्टी बना लेते हैं। ये देखिए इस तरह से फंदा डालते हैं, तो पहली सिलाई आराम से बनाते हैं। देखिए अगर ये फंदा अगर खींच जाएगा तो यहाँ पे गैप आ जाएगा, तो इस वजह से ये देखिए 2, 3 इसी तरह से सभी फंदों को उल्टा उल्टा बना लेंगे। ये पत्ती की डिजाइन का हम पायदान बना रहे हैं जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बता रही हूँ, मैं ये साड़ी से बना रही हूँ। आप माइक्रेम, ऊन, चुन्नी या आपके पास कोई कपड़ा पड़ा हो आप उससे भी बना सकते हो। ये देखिए मैं आपको ये एक कलर से बना करके बता रही हूँ। इसमें कोई कहीं जोड़ नहीं आएगा, कहीं सिलाई नहीं लगानी है। ये देखिए एक साइड से हमने उल्टे उल्टे की पूरी सिलाई बना करके कंप्लीट कर लिए। इसी तरह से हमें दूसरे साइड का भी बनाना है। ये देखिए पहला फंदा उतारेंगे, पट्टी को अपने साइड किया, पहला फंदा हमें दोनों साइड से उतारते जाना है। अगर आपको उल्टा बनाने में परेशानी हो तो आप इसे सीधा सीधा बना सकते हो, सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जैसे हम दोनों साइड से उल्टा बना रहे हैं वैसे ही आप दोनों साइड से सीधा सीधा बनाओगे तो ऐसे ही उल्टे की रो बन करके आएगी। जैसे ही उल्टे की रो बन रही है तो आपको जैसे पसंद हो वैसे आप बना सकते हो, दोनों साइड से उल्टा उल्टा भी बना सकते हो और दोनों साइड से सीधा सीधा भी। हमने दोनों साइड से उल्टे की 1-1 लाइन बना करके कंप्लीट कर लिया। अब ये देखिए पहला फंदा उतारेंगे, पट्टी को अपने साइड किया, ये देखिए एक फंदा ये है, फिर ये 2, ये एक फंदा जो हमने उतारा है ये, और ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 आधा फंदा हम इस साइड बना लेंगे और आधा फंदा हम इस साइड बना लेंगे। ये देखिए 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10 10 फंदा इस साइड है और 10 फंदा हमने इधर बना लिया। बीच में जो एक फंदा है इस पे हम जाले बनाएंगे। तो ये देखिए पट्टी अपने साइड ही रहेगी, ये देखिए सिलाई को पीछे हो करके इस तरह से इसमें हम जाले बना लेंगे। ये देखिए तो ये इस तरह से
एक जाली बन गई। अब हमें दूसरी जाली बनानी है, तो जो एक एक्स्ट्रा फंदा हमने लिया था, एक जाली हमने उस पर बना लिया, जो ये 10 फंदा इधर है, तो एक जाली हम इस फंदे पे बना लेंगे। तो पट्टी को अपने साइड किया, दोनों जाली हमें एक साथ ही बनानी है। तो ये देखिए, फिर वापस ये देखिए दूसरी जाली बन गई। तो इसी तरह से हमें ये दो जाली बना लेनी है। ये देखिए दो जाली बना ली, और बाकी सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। तो एक फंदा तो ये जो जाली बनाया था ये हो गया, ये दो, ये तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस। ये देखिए तो दोनों साइड 10 फंदे हो गए। अब इस साइड से हमें सभी फंदों को उल्टा उल्टा बना लेना है, इस साइड से कुछ भी नहीं करना है। ये देखिए पहला फंदा हमने उतारा, पट्टी को अपने साइड कर लिया। ये देखिए इसको बनाना बहुत आसान है, मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बता रही हूँ। ये देखिए जो हमने जाली बनाया है, इस फंदे को भी उल्टा ही बुन लेंगे। ये देखिए जाली का फंदा है, इसको भी इसी तरह से उल्टा बना लेंगे। ये देखिए ये भी जाली का फंदा है, इसको भी उल्टा ही बना लेंगे। ये देखिए पहला फंदा उतारेंगे, पट्टी को अपने साइड कर लिया। ये देखिए पहला फंदा उतारने से इस तरह से ये किनारी बहुत ही अच्छी आती है, तो इसी से पहला फंदा दोनों साइड से उतारते जाएंगे। ये देखिए उस बार हमने 10 फंदा बनाया था, अब एक फंदा बढ़ गया, तो इस बार 11 फंदा बना लेंगे। देखिए दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ये 11 फंदा हमने बना लिया। ये जो बीच का ये फंदा देखिए, ऐसे यहाँ ये चोटी से बनती जाएगी बीच में ये, तो इसके दोनों साइड हमें जाली बनानी है। तो ये देखिए अब यहाँ पे हम अभी इस पट्टी को अपने साइड को ही रखेंगे, यहाँ पे ये देखिए जाली बनाएंगे ये, फिर वापस पट्टी को अपने साइड कर लिया, फिर यहीं पे जिस पे हमने ये जाली बनाया था उसी फंदे पे ये जाली बना लेंगे। ये देखिए सिर्फ ये ध्यान रखना है कि ये जो चोटी का फंदा ये बीच में बन रहा है, इसके दोनों साइड हमें जाली बनानी है, बाकी दोनों साइड के सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुनते जाना है। उल्टे साइड से हमें कुछ भी नहीं करना है, उल्टे साइड से सभी फंदों को उल्टा उल्टा बना लेना है। ये देखिए पहला फंदा उतारेंगे, पट्टी को अपने साइड कर लिया। ये देखिए मैं इसे पीले कलर से बना रही हूँ, आप पट्टी को अपनी पसंद से किसी भी कलर से बना सकते हो। ये देखिए जो फंदा हमने जाली का बनाया था उसको भी उल्टा ही बुन लेंगे। आप इसे पूजा का आसन बना सकते हो, अब टेबल पे भी अगर आप अपने डालोगे तो वो भी देखने में बहुत ही सुंदर लगेगा। ये देखिए पहला फंदा उतारेंगे, पट्टी को अपने साइड कर लिया। ये देखिए अब पहले 10 फंदे बनाए थे, फिर 11, अब 12 फंदे बना लेंगे। ये देखिए दो, एक, तीन, चार, पाँच,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, क्योंकि ये जाली से हर बार एक एक फंदा बढ़ता जाएगा। अब ये देखिए, ये जो बीच का ये फंदा है, एक फंदा हमने जो एक्स्ट्रा लिया था उस पर ये चोटी बनती जा रही है। इस पर ही इसके दोनों साइड हमें जाली बना लेनी है। ये देखिए, एक जाली हमने बना लिया, वापस फिर पट्टी अपने साइड किया, फिर ये देखिए जिस पे हमने जाली बनाया था उसी फंदे पे ये जाली बना लिया। ये देखिए, और बाकी के फंदों को उल्टा उल्टा बुनते जाएंगे। देखिए, पहला फंदा हमें दोनों साइड से उतारना है। पट्टी को अपने साइड कर लिया, ये देखिए उल्टे साइड से सभी फंदों को उल्टा उल्टा बनाना है। हमें डिजाइन सिर्फ सीधे साइड से बनानी है, उल्टे साइड से कुछ भी नहीं करना है। अगर आप पूरी वीडियो देखोगे तो आपको पायदान बहुत जल्द अच्छे समझ में आ जाएगा। इसको बनाना बहुत ही आसान है और बहुत जल्दी बन करके तैयार हो जाता है। ये देखिए, पहला फंदा उतारेंगे, पट्टी को अपने साइड किया। एक बार मैं और आपको जाली बनाना बता देती हूँ। ये देखिए, ये देखिए, अब ये बीच का जो ये चोटी बन रही है ये फंदा आ गया। अब यहाँ पे जाली बनाएंगे। ये देखिए, अभी हमें जाली बनाना है तो इस पट्टी को अपने साइड को ही रखेंगे। ये देखिए, और सिलाई को इस तरह से पीछे को ले करके, ये देखिए इस तरह से जाली बना लेंगे। ये देखिए, ये जाली इस तरह से बनती जा रही है। हमने ये बना लिया, 1, 2, 3, 3 जाली पहले बन गई है। अब ये चौथी जाली हम बना रहे हैं। देखिए इस साइड से भी 1, 2, 3, ये देखिए दिखाई दे रही है जाली। देखिए, 3 जाली हमने इधर बना लिया और 3 ही जाली इस साइड बन गई। अब ये चौथी जाली बना रहे हैं। एक बना लिया हमने, अब ये देखिए पट्टी को अपने साइड कर लिया, फिर ये दूसरी जाली भी बना लिया। ये देखिए, तो इस तरह से ये टोटल 4 जाली बन गई है। इसी तरह से हम 8 जाली बना लेंगे, ये पूरी 8 जाली बना लेंगे। और ऐसे ही देखिए, अब 4 फंदे इस साइड बढ़े हैं और 4 फंदे इधर, तो और 8 इधर बढ़ जाएंगे, 8 इधर। इतना बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि आगे क्या करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये 8 जालियाँ बना ली हैं। ये देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये देखिए ऊपर ये 8, 8 जाली बन गई है। अब क्या करना है हमें, ये देखिए, अब दोनों साइड से उल्टी उल्टी पूरी सिलाई बना लेंगे। अब हमें यहाँ पे जाली नहीं बनानी है, एक सिलाई। ये देखिए, पहला फंदा उतारा, पट्टी को अपने साइड कर लिया। ये देखिए, बीच का ये जो फली सा बनता जा रहा है, ये देखिए चेन बन रहा है, इसका हम सीधा बुनेंगे। तो ये पट्टी को पीछे को कर दिया, और ये देखिए यहाँ पे हम कोई जाली नहीं बना रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पे कोई जाली नहीं बना रहे हैं, इसको इस तरह से सीधा बुन लेंगे। फिर आगे को कर लेंगे, बाकी सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुना लेंगे। सिर्फ हमें ये जो बीच का है फंदा, इसी को सीधा बनाना है, जिस पे हमने ये जाली बनाई थी दोनों साइड इसके। ये देखिए, दोनों साइड हमने जाली बनाई है, इसको सीधा बुनना है।
अब बड़ा छोटा जैसा बनाओ, जितनी भी जाली बनाओ, जैसे हमने 8 जाली बनाई है, आप जितनी जाली बनाना चाहो आप बना सकते हो। तो कम ज़्यादा जितनी भी जाली बनाओगे, वो जाली बनाने के बाद हमें क्या करना है, दोनों साइड से एक एक सिलाई उल्टे उल्टे की बना करके कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए हमने सीधे साइड से भी बना लिया है और उल्टे साइड से भी ऐसे ही बना लेंगे। ये देखिए पहला फंदा उतारा, पट्टी को अपने साइड कर लिया। ये देखिए उल्टे साइड से सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुनना है। ये जो बीच का फंदा है इसको भी हमें उल्टा ही बनाना है, जब ये सीधा बन करके आएगा तो इसको हमें सीधे साइड से इसे सीधे बुनना है और उल्टा साइड से उल्टा उल्टा ही बनाने हैं। तो ये देखिए उल्टे साइड से सभी फंदों को उल्टा उल्टा बना लेंगे। देखिए हमने जो ये जाली के बाद दोनों साइड से एक एक सिलाई उल्टे उल्टे की बना करके कंप्लीट किया। आप बनाना चाहो तो बना सकते हो, नहीं भी बनाना चाहो तो नहीं बना सकते हो। ये देखिए अब यहाँ से थोड़ा चेंज है। देखिए पहला फंदा उतारेंगे, पट्टी को अपने साइड कर लिया। अब हमें दोनों साइड से एक एक फंदा घटाना है, इस साइड से भी और इस साइड से भी। जब ये जाली बन करके कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद, जब तक हम जाली बनाएंगे इधर से हमें कुछ भी नहीं करना है दोनों साइड से। तो देखिए पहला फंदा उतार लिया, पट्टी को अपने साइड कर लिया। अब ये देखिए दो फंदा हमने एक साथ ले लिया और इसको इस तरह से बना देंगे, तो ये एक फंदा घट गया। बाकी सभी फंदों को उल्टा उल्टा बना लेंगे। सिर्फ ये ध्यान रखना है कि ये जो बीच का फंदा है ये हमें सीधा बनाना है। ये देखिए पट्टी को पीछे किया, इसको इस तरह से सीधा बुन लेंगे। ये देखिए फिर पट्टी को अपने साइड कर लिया, बाकी के फंदों को ऐसे उल्टा उल्टा बनाएंगे। अब ये देखिए लास्ट में ये तीन फंदा बचा हुआ है। तो जैसे हमने यहाँ पे दो का एक किया था, यहाँ पे दो का एक किया था, वैसे ही अब यहाँ पे ये देखिए ये दोनों फंदे हैं, इनको एक साथ बुन देंगे। ये देखिए ये दो फंदा हमने एक साथ बना लिया। ये देखिए एक और दो, दोनों को एक साथ बुन देंगे तो इधर से भी एक फंदा घट जाएगा। ये देखिए लास्ट के फंदे को हमें ऐसे ही बुनना है। उससे पहले जैसे हमने यहाँ पे पहला फंदा उतार लिया था, फिर इस दो का एक किया था, यहाँ पे फंदा घटाया था, वैसे ही ये लास्ट का फंदे पे हमें नहीं घटाना है, उससे पहले ही दो फंदे को एक साथ बुन देना है। फिर इस फंदे को हम ऐसे ही बना लेंगे और इस साइड से हमें कुछ नहीं करना है, सभी पूरी सिलाई उल्टे उल्टे की बना करके कंप्लीट कर लेना है। देखिए पहला फंदा उतारेंगे, पट्टी को अपने साइड किया, इस साइड से सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। इस पूरे पायदान में उल्टे साइड से कुछ भी नहीं करना है, जो भी डिजाइन बनानी है या फंदे घटाना है वो हमें सीधे साइड से ही करना है। देखिए उल्टे साइड से हमने पूरी सिलाई उल्टे की बना करके कंप्लीट कर ली है। ये देखिए अब वापस सीधे से देखिए पहला फंदा उतार लेंगे, पट्टी को अपने साइड कर लिया और ये देखिए दो फंदों को एक साथ बुन देंगे। तो ये इस तरह से दो फंदा घट गया इस साइड, पहले एक फंदा घटाया था, एक फंदा और भी घट गया। ये देखिए
अब इस बीच के फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। तो इस तरह से ये पूरी लाइन से बनती जाएगी। ये हमें पत्ती के आकार का ये पायदान बना रहे हैं, तो इस वजह से ये लाइन पूरी बीच में ऐसे लास्ट तक चली जाएगी। अब पट्टी को अपने साइड कर लिए, बाकी के फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। ये देखिए अब तीन फंदा रह गया, तो ये दो फंदे को एक साथ बुन लेंगे। ये देखिए और फिर इसको इस फंदे को ऐसे उल्टा बना लेंगे। तो इस तरह से ये देखिए ये किनारे बहुत सुंदर बन के आएगी दोनों साइड से। ये देखिए ये पहला फंदा उतारते जाएंगे तो ये किनारे बहुत ही सुंदर आती है बन करके। अब उल्टे साइड से कुछ भी नहीं करना है, पहला फंदा उतारेंगे और सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। ये देखिए मैं एक बार और आपको दिखा देती हूँ कि फंदे कैसे घटाने हैं। ये देखिए पहला फंदा उतार लिया, पट्टी को अपने साइड किया। ये देखिए दो फंदे हमने एक साथ ले लिए और इनको ये देखिए एक और दो, इन दोनों फंदों को एक साथ बुन देंगे। ये देखिए तो इस तरह से एक दो तीन फंदा घट गया। बाकी इसी तरह से बनाते जाएंगे, दोनों साइड से ही हमें एक एक फंदा घटाना है। और ये सिर्फ ये ध्यान रखना है कि ये जो बीच की एक लाइन ये जो जा रही है सीधी सीधी भली बनती जा रही है, इसको ऐसे बनाते जाना है सिर्फ ये बीच का एक फंदा। बाकी दोनों साइड से इसी तरह से हमें एक एक फंदा घटाते जाना है। तो अब मैं इसी तरह से घटा लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि आगे कैसे करना है। ये देखिए एक एक करके हमने दोनों साइड से सभी फंदों को बंद कर दिया है। देखिए लास्ट में ये देखिए तीन फंदा इस साइड बचा हुआ है। ये देखिए एक दो तीन, तीन फंदा इस साइड है और बीच में एक फंदा है और इस साइड भी देखिए एक दो तीन। तो अब ये देखिए कैसे करना है, पहला फंदा उतारेंगे, पट्टी को अपने साइड किया। देखिए इन दोनों फंदों को एक साथ बुन लिया तो एक फंदा ये घट गया, पट्टी पीछे किया। ये देखिए इसको ऐसे सीधा बना लिया, फिर पट्टी को अपने साइड किया, फिर ये दो फंदे फिर इस साइड से भी घटा दिए। ये देखिए उल्टे साइड से हमें वैसे सभी फंदों को उल्टा उल्टा बनाना है। पट्टी को फंदा एक फंदा उतारा, पट्टी को अपने साइड किया। ये देखिए अब ये हमारे पास पांच फंदे रह गए हैं। तो ये देखिए कैसे करना है, अब ये देखिए पांच फंदे हैं तो हमें कैसे घटाना है। अगर हम इसको ऐसे घटाएंगे इस तरह से तो ये जो यहाँ पे ये फली बनते हुए आ रही है ये नहीं बनेगी। तो इस वजह से इसको ये देखिए इस तरह से पीछे को लेकर के ऐसे घटा लेंगे। ये देखिए तो ये देखिए ये फली देखिए वैसे जैसे हमने यहाँ पे बनाई है वैसे ये बन गई है। ये देखिए एक बार मैं और आपको दिखा देती हूँ कि कैसे करना है। वैसे तो हम फंदे इस तरह से घटा रहे थे, अब लास्ट का बचा हुआ तो ऐसे नहीं घटाएंगे। तो इस वजह से ये देखिए इसको इस तरह से दोनों फंदों को पीछे को ऐसे घटा देंगे। ये देखिए तो अब ये फली बिल्कुल जैसे हमने बनाई है इधर ऐसे बनती हुई आ रही है। ये देखिए फिर इसको इस तरह से बुन लेंगे। अब ऐसे ही ये फंदा जो हमें बनाना है तो इसको हम अगर ऐसे बनाएंगे तो ये देखिए ये फली इस तरह से बन के आएगी। ये देखिए
नहीं ये इस साइड इस तरह से अगर घटाएंगे तो ये देखिए ये फली बिल्कुल भी सही नहीं बनी है, तो इस साइड हमें थोड़ा सा चेंज करना है। ये देखिए इस साइड तो हमारी फली है, इस तरह से पीछे से बनाया तो बिल्कुल सही आई है, लेकिन इस साइड से देखिए ये फली बिल्कुल सही नहीं आई है। तो इसको क्या करना है, कैसे करना है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए अब इसको हम पीछे से नहीं लेंगे, इस साइड पीछे से नहीं लेना है। इस साइड तो हमने पीछे से लिया था इस साइड को, अब इधर देखिए ऐसे ऊपर से लेंगे। ये देखिए ये देखिए, तो अब ये फली बिल्कुल बराबर आई है, जैसे हमने इधर के बनाए ऐसे ही आई है। ये देखिए अब इन तीनों फंदों को उल्टे साइड से उल्टा उल्टा बुन लेंगे। पहला फंदा उतारा, ये देखिए अब इन तीन फंदों को एक साथ हमें बंद करना है, इन तीनों फंदों को एक साथ घटाएंगे। तो इसको देखिए ये फंदा बिल्कुल हमें फली एक जैसी लाना है, तो ये देखिए इस फंद इन दोनों फंदों को ऐसे ले लेंगे और इसको इस तरह से। ये देखिए अब इन तीनों को एक साथ बंद कर देंगे। ये देखिए पहले जैसे हम गले पे फली बनाते हैं, गले को वी गले के जब बॉर्डर बनाते हैं तो उसमें फली बनाते हैं, तो उस तरह से हमें इसे लेना है। ये देखिए अब इन तीनों फंदों को एक साथ बंद कर देना है। तो ये देखिए ये बीच की भी फली बिल्कुल बराबर आ गई, और इस साइड से भी और इस साइड से भी। ये देखिए दोनों साइड से और ये बीच की बिल्कुल ऐसे सीधी फली जो आ रही है ये आ गई। अब यहाँ पे ये फंदे को हम बंद कर देंगे। ये देखिए इसको ऐसे करके इसके बीच में से निकाल करके हम बंद कर देंगे। ये देखिए ये प्यारी सी पत्ती बन करके तैयार हो गई है। देखिए देखने में कितनी प्यारी लग रही है। और ये देखिए बीच में ये पूरी लाइन देखिए लास्ट तक ये बन करके आई है। एक एक फंदा जो हम सीधा बनाते हैं उसके देखिए, इसको बनाना बहुत आसान है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। देखिए ये पत्ती के डिज़ाइन का पायदान, प्यारा सा पायदान बन करके तैयार हो गया है। ये पायदान की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं। थैंक यू।